परम आराध्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज योगाभ्यास के क्रम में हम खड़े होकर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज और कुछ आसन करेंगे, तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए सबसे पहले अपने स्थान पे खड़े खड़े दौड़ने की क्रिया, अगली क्रिया में दोनों पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, क्लैपिंग करेंगे और वापस हाथों को नीचे लाएंगे। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। हम रोजे कंटिन्यू करिए साथ साथ। वेरी गुड, थोड़ा फास्ट। संगीता जी बहुत बढ़िया, सुचेता जी बहुत। वार्म अप की अगली क्रिया में हम श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और उसके साथ श्वास छोड़ते हुए भस्त्रिका जो करते हैं भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे खड़े खड़े। और जब आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं एड़िया उठाते हुए ऊपर, अभी अपने स्थान पे खड़े खड़े जंपिंग करना है, कूदना है ऊपर की ओर। हम जंपिंग, इसमें आप हाथों को गोल गोल घुमाते हुए भी कर सकते हैं, जैसे रस्सी लेके कूदते हैं उस तरह से भी किया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू कीजिए थोड़ी देर, पूरा शरीर आपका वार्म हो रहा है।
वेरी गुड। पहले है संपातासन, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे, पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, नजरें सामने एक स्थान पर, अपलक अपलक देखना है, श्वास मन, अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज की तो हमारा श्वास निश्चित ही छोटा हो गया होगा, इस क्रिया से हमारा श्वास सामान्य हो जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब वृक्षासन। वृक्षासन अभी हमने जो आसन किया, दोनों पैरों पर खड़े होकर संपादासन किया, अब एक पैर पर खड़े होना है, एक पैर पे खड़े होना है, बाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को घुटने से ऊपर जंघा के पास लगा लीजिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, बैलेंस बनाते हुए सीधे खड़े रहेंगे। हाथ बिल्कुल कान से सटे हुए रहे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब पैर बदलते हुए दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर दाहिने पैर को मोड़ते हुए तलवे को बाएं पैर के घुटने के ऊपर जंघा के पास लगाइए, और दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर कान से सटे हुए। बहुत बढ़िया मनोज जी, सुचेता जी, संगीता जी, बहुत ही बढ़िया। वृक्षासन, वृक्षासन कैसे किया जाए जाना, वृक्षासन एक पैर पे खड़े होते हुए बैलेंसिंग आसन। नेक्स्ट हम एक बार और करके बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए, पंजों को बाहर की साइड मोड़ते हुए, एड़िया मिली हुई, दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर, एड़िया उठाते हुए धीरे धीरे पंजों के बल नीचे आना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस आसन में कुछ देर रुकना है, श्वास नॉर्मल रखेंगे, ये भी बैलेंसिंग आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है। नटराज आसन पहला प्रकार, अब दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में एक पैर को पीछे ले जाते हुए पीछे से पकड़ना है, सामने हाथ फैलाते हुए सामने की ओर झुक जाना है, एक पैर पर खड़े होना है, बैलेंस बनाते हुए, बहुत ही सुंदर। पीछे से पैर को पकड़ते हुए बैलेंस बनाना है, आगे झुक जाएंगे तो बैलेंस बराबर बन जाएगा। दूसरे पैर से बहुत बढ़िया, संगीता जी भी बहुत बढ़िया कर रही है। रिलैक्स।
नेक्स्ट हम करेंगे अब कोणासन। कोणासन साइड कमर में साइड स्ट्रेच देने के लिए, दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाइए, राइट हैंड ऊपर, कान से सटा हुआ, लेफ्ट हैंड जंघा से सटा हुआ रहेगा, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए झुकिए और झुकिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए, इस साइड खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब हाथ बदल लीजिए, दाहिना हाथ जंघा से सटा हुआ, बायां हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब इसी क्रिया को हम चार की गिनती के साथ करेंगे, हाथ बदलते हुए राइट हैंड से शुरू करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। श्वास की क्रिया इसमें क्या रहेगी सुचेता जी, संगीता जी आप बता सकती हैं श्वास की क्रिया क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी सर। नहीं अपन एक में श्वास भरेंगे या छोड़ेंगे? हाँ, एक में छोड़ेंगे, जब भी ऊपर जाते हैं तो भरेंगे, नीचे जाते हैं तो छोड़ेंगे सर। हाँ एक में श्वास भरेंगे, दो में छोड़ेंगे, तीन में भरेंगे, चार में छोड़ेंगे, समझ में आ गया? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, रिलैक्स। अभी हमने जो आसन किया है आसन का नाम है कोणासन, जैसा कि मैंने बताया कमर में आपको साइड स्ट्रेच देने के लिए सबसे बढ़िया आसन है कोणासन, बैठकर भी हमने किया था और आज खड़े होकर भी कर रहे हैं। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन सामने झुकने वाला आसन है, तो जिनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। एक में श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, पूरा ऊपर तनाव खिंचाव दीजिए, दो में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, बिल्कुल नीचे आना है और कोशिश करना है आपका ललाट आपके घुटनों को स्पर्श कर ले। तीन में वापस हाथ ऊपर, चार में हाथ नीचे, एक बार और कीजिए, एक श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, पूरा ऊपर खिंचाव दीजिए, दो धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक, वेरी गुड, रुकना है अगर ज्यादा देर तो श्वास आपका यहाँ पे नॉर्मल रहेगा,
तीन चार। आसन लगाने के बाद ज्यादा देर रुकना है तो श्वास नॉर्मल भेजोगे, जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हो उतनी देर रुकिए, फिर वापस टीम की पोजीशन में आ जाएंगे। एक राउंड और करेंगे, एक दो तीन चार, रिलैक्स। अभी हमने आगे झुकने वाला आसन किया, अब पीछे झुकने के लिए अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन एक में हाथ ऊपर श्वास भरते हुए, दो में पीछे झुकी, पीछे झुकिए, जितना झुक सकते हैं पीछे झुकिए। तीन चार, एक दो तीन चार, रिलैक्स। आगे झुकने वाला आसन करने के बाद पीछे झुकने वाला आसन करना जरूरी होता है, दोनों साइड झुकने वाले आसन आपको करने रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिलैक्स। एक आसन और आगे झुकने के लिए महावीर आसन। महावीर आसन में दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाइए, दोनों पैरों में फासला, पैरों में गैप। अब एक पैर आगे ले लीजिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आना है, जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आइए। कोशिश कीजिए आपका ललाट बिल्कुल नीचे तक, जमीन तक या फर्श तक आ जाए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, एक बार और। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते हुए ऊपर। अब पैर बदल लीजिए, राइट पैर आगे, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे तक आना है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, डाउन, रिलैक्स। अभी जो आसन किया, इस आसन का नाम महावीर आसन, महावीर आसन, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन, कमर को ट्विस्ट देने के लिए कटी चक्रासन। दोनों पैरों में फासला रखिए, दोनों हाथ फैलाइए, पीछे जाना है, पीछे घूमना है, बिल्कुल पीछे तक। जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, राइट हाथ की अंगुलियों को लेफ्ट कंधे पे ले आएंगे, बहुत बढ़िया, पूरा ट्विस्ट, मेलबर्न में रीढ़ की हड्डी में पूरा ट्विस्ट, जितना घूम सकते पूरा घूमिए। जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, राइट पैर की एड़ी को उठाते हुए पूरा टर्न लेना है, वापस आइए दूसरी ओर से।
बहुत बढ़िया। कटी चक्रासन, आसन का नाम है कटी। कटी चक्रासन मतलब कमर, कमर में ट्विस्ट ट्विस्ट देना है। एक बार और कीजिए, एक लेफ्ट साइड, दो, तीन, चार। वेरी गुड, रिलैक्स। इस आसन को हम दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। जब हम पीछे जाते हैं, हाथ को कमर पे ले आएंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, दोनों हाथों को फैलाइए, इस तरह से घूमिए, पैरों को फैला के रखेंगे, पूरा ट्विस्ट देते हैं, वापस आएंगे दूसरी ओर से। हाँ, बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, पूरा ट्विस्ट। कटी चक्रासन कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन दो प्रकार से करते हैं हम। पहले प्रकार में दोनों हाथों को, पैरों को फैलाएंगे, पैरों को फैलाइए, दोनों हाथों को फैलाइए, पैरों को जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए। अब राइट साइड झुकते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है। लेफ्ट हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब दूसरी ओर वापस ऊपर। बहुत बढ़िया, चार की गिनती के साथ, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। वेरी गुड, एक राउंड और, लास्ट राउंड, एक, दो, तीन, चार। वेरी गुड, अभी हम त्रिकोण आसन दूसरा प्रकार करने से पहले एक क्रिया करेंगे जिससे हमारा आसन अच्छे से होता है। क्रिया क्या है, इस तरह से लेफ्ट साइड या राइट साइड घूम जाइए, एक पैर आगे एक पैर पीछे रहेगा, दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, आगे वाले घुटने को मोड़ते हुए नीचे आना है। रीढ़ की हड्डी कदम बिल्कुल सीधी रखी हुई, वापस ऊपर, हाथ नीचे, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब दूसरी साइड, इसमें आप एक पे तिरछा एक पे सीधा भी रख सकते हो, राइट पैर सीधा लेफ्ट पैर तीसरा रखते हुए, एक, दो, एक, दो, एक,
फिलिक्स। जब आप नीचे आते हो ध्यान रखिए रीढ़ की हड्डी शिथिल है। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन दूसरा प्रकार, दोनों पैरों में फासला, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर तिरछा कर लीजिए, लेफ्ट पैर तिरछा, राइट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर। अब लेफ्ट साइड झुकना है, हथेली को घुटने के सामने से नीचे तक लाते लाना है और कोशिश कीजिए आपकी हथेली बिल्कुल नीचे जमीन तक आ जाए। नजरें सामने, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड झुकना है, धीरे धीरे वापस आएंगे हाथ नीचे। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी। जो पैर तिरछा है, हमने एक पैर तिरछा किया था, जो पैर तिरछा है वही घुटना मुड़ेगा, ध्यान रखना है। रिलैक्स। त्रिकोणासन बहुत ही बढ़िया है। आसन करने से हमारे चेहरे पे रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है, चेहरा तंतु मा जाता है, मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा आपका, और किशोरावस्था में जो मुहासे निकलते हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। रिलैक्स। अब पेट कम करने के लिए, कमर को पतला करने के लिए आसन करेंगे, उसका नाम है हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन कैसे करना है, पैरों के बीच में गैप रखिए, हाथों को इस तरह से अंगुलियों को फंसाइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जब श्वास छोड़ेंगे आप फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे, दोनों हाथों को पैरों के बीच में से बिल्कुल पीछे तक ऊपर तक ले जाना है। जिस तरह मिट्टी खोदते समय हम फावड़ा चलाते हैं उसी तरह से फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। ऊपर जब जाएंगे नजरें भी ऊपर, छत की ओर देखेंगे, नीचे आते समय बिल्कुल नीचे। वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया सुचेता जी, संगीता जी, पेट कम करने के लिए, कमर पतला करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। 9 बार तो कम से कम करना है, 9 बार अगर हो जाए तो उसको बाद में आप 9-9 के 3 राउंड कर लीजिए, 27 बार कम से कम, देखिए रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने लगेगा। रिलैक्स। हमने इतने कई बार 27 बार तक भी अभ्यास किया हुआ है, तो आप भी आप 27 बार अभ्यास हो जाए तो 27-27 के 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 4 राउंड अगर कर लेते हो तो 108 बार अगर कर लेते हो तो देखिए आपको इसका रिजल्ट कितना जल्दी मिलने शुरू होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं, पेट कम होता है, कमर हमारी पतली होती है, बहुत फायदेमंद आसन। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब ताड़ासन। ताड़ासन दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए,
पैरों के बीच वी का शेप, अंगुलियों को इस तरह से पलटते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए, अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर तनाव देना है। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, साथ में मूल बंद कैसे लगाना है अभी आपने जाना, अलका जी ने अच्छे से बताया आपको। मूल बंद मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए मांसपेशियों को ऊपर की ओर पूरी ताकत लगाते हुए खींची, रुकी है यहाँ पे, साथ में कुंभक भी लगेगा। अब धीरे धीरे एड़िया नीचे, मूल बंद खोलते हुए हाथ नीचे, बहुत बढ़िया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, रिलैक्स। खड़े होकर किए जाने वाले आसानी से जो आसन किए जा सकते हैं उनका अभ्यास अभी हमने किया। अब आप खड़े हो, आपको बैठना है तो कैसे बैठेंगे, पैरों के बीच कैंची लगाना है और बगैर हथेलियों का सहारा लिए आराम से बैठिए। सीधे बैठ जाएंगे। आज हम एक प्रयोग और करेंगे, क्लैपिंग, ताली बजाने का प्रयोग। ताली बजाना भी बहुत बढ़िया एक प्रयोग है, इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है। तो ताली बजाएंगे और कम से कम एक मिनट तक बिना रुके हमारी हथेलियां बिल्कुल लाल हो जानी चाहिए। पहले इस तरह से दोनों हथेलियों से बजाएंगे, फिर हम ढोलक ताली बाद में लेंगे। सीता जी दोनों हथेलियों इस तरह से है बिल्कुल, वेरी गुड, कंटिन्यू। एक मिनट हुआ नहीं है अभी, हथेलियां लाल हो जाए घबराइए नहीं। अब हम करेंगे ढोलक ताली। ढोलक ताली में एक पैर को ऊपर चढ़ा लीजिए, एक पैर ऊपर, आप पद्मासन लगा के भी कर सकते हो, पद्मासन अगर लग जाता है तो पद्मासन लगा के भी ढोलक ताली की जा सकती है। दोनों हथेलियों को दोनों पंखुड़ियों से ढोल बजा रहे हैं जैसे, हाँ एक दो
दो एक दो एक दो, इससे हमारे हथेलिया और पैर के तलवे पत्थलियां दोनों बिल्कुल लाल हो जाएंगे। रिलैक्स, कैसा लग रहा है? पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, शरीर में गर्मी भी आ रही है। जाती जिसकी मांडी नहीं डाल सकते, किसी का ऑपरेशन है तो, जैसे मेरा ऑपरेशन है तो मैं मांडी नहीं डाल सकती। आपको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो आप, तो एक ही पाँव होगा ना सर? कुर्सी के बैठ का हाँ, एक पाँव से कीजिए आप, दोनों पाँव नहीं होता है तो एक पाँव से। देखिए कुर्सी पे बैठ के बहुत सारे प्रयोग है, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किया जा सकता है। मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह से आप कुर्सी पे बैठेंगे, एक पैर इस तरह से रखेंगे पहले, और इस तरह से और ताली बजाएंगे। दोनों पैर अगर नहीं कर सकते एक पैर से कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी होता है घुटनों के बल, घुटनों को धरनाओं को, यहाँ क्या है हमारा रक्त का संचार पैरों में अच्छे से होगा। एक दो एक दो एक दो एक दो, नीचे में आप नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पे बैठ कर ताली तो बजा ही सकते हैं, लेकिन बीच में करवाते हैं दोनों पैरों के बीच, दोनों पैरों के बीच कुछ डालना होता है इसमें, जैसे टॉवल है आपने टॉवल डाल लिया, ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। इस तरह से घुटनों के बीच और दबा के रखना है, पैरों को ऊपर उठाना है, बहुत ज्यादा खींचा हुआ आएगा आपको। सर अच्छे योग, हास्य योग भी करेंगे आज, मनोज जी ने कहा हास्य योग करना है, अभी समय है हमारे पास। पहले हम दो मिनट प्राणायाम कर लें, उसके बाद आखिरी में हास्य योग। प्राणायाम बहुत ही जरूरी होता है, प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम, अभी आज हम सूर्य वेदी प्राणायाम करते हैं, सूर्य वेदी। आज अभी सर्दी का मौसम है, सूर्य वेदी प्राणायाम पहले करें। सूर्य वेदी देखिए कैसे करना है, सूर्य वेदी हमारा राइट स्वर जो है इसको चालू रखना है, राइट को चालू रखना है, लेफ्ट को बंद करना है। लेफ्ट को बंद करना है तो पहले इस तरह से, और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, इससे लेना है लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अभी हमने राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, जिससे लिया ये हमारा सूर्य स्वर और जिससे छोड़ा ये चंद्र स्वर। तो सूर्य वेदी प्राणायाम से हमको राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अब राइट से लेना, राइट से ही छोड़ना है, लेफ्ट बिल्कुल बंद रहेगा। जितना समय लेने में उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगाइए।
इससे हमारे दीर्घ श्वास का अभ्यास भी होता है। जितना समय लेने में लगाएंगे उससे कम से कम दुगुना समय आप छोड़ने में लगाना है। 4 सेकंड में लिया तो 8 में छोड़िए, 5 में लिया तो 10 में छोड़िए। अब इसको कुंभक के साथ करेंगे। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को रोक लेंगे अंदर, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर बाहर रोकेंगे। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों कुंभक इसके साथ हो जाएंगे। श्वास को रोकना, और जिनको दमे की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या हार्ट के पेशेंट है, उनको कुंभक नहीं करना है, या करते भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अच्छी तरह से अगर करते हो तो 1 मिनट में 3 से 4 श्वास होते हैं हमारे। 7-8 श्वास अगर हम ले लेते हैं तो 2 मिनट का प्रयोग आसानी से हो सकता है। अनुलोम विलोम का अभ्यास योगाभ्यास के साथ साथ नियमित करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको, कल भी बताया था, आपको नियमित करना है। अब हम करेंगे हास्य योग। ऐसा मनोज जी ने बताया बहुत दिन से हास्य योग नहीं हुआ है, तो हास्य योग आराम से बैठिए, सीधे बैठिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेटिए और बिना आवाज के, बिना आवाज के एक श्वास में पूरी मांसपेशियों को हिलाते हुए पूरा हंसना है। एक श्वास में जितना आप कर सकते हो करिए, बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है? एक बार और बिना आवाज के करेंगे, उसके बाद हम आवाज के साथ करेंगे। जिनके वीडियो ऑफ है वीडियो चालू कर ले प्लीज, और झुकिए, दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए और बिना आवाज के सारी मांसपेशियों को हिलाते हुए रिलैक्स, माइंड फ्रेश, तनाव गायब। अब करेंगे आवाज के साथ, जितना आवाज कर सकते हो जोर से, झुकिए, समस्याओं को समेटिए। Yes.
तनाव गायब हो गए। सर आपके क्लास में तनाव ही नहीं रहता, वो तनाव कहाँ है हम आपको पता ही नहीं चलता। बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। ठंडी में रोज थोड़ा योगा करा दीजिए सर, ठंडी गायब हो जाती है हमारी। नहीं तो पहले तो स्वेटर पहनना पड़ता है, आपका योगा स्टार्ट होते ही स्वेटर निकाल के फेंकना पड़ता है। बहुत बढ़िया, रोज थोड़ा योगा। आज हमारे साथ सत्यनारायण जी पोदार, सत्यनारायण जी जुड़े हुए। सत्यनारायण जी आप कहाँ से हो? भाई साहब प्रणाम, मैं शाजापुर जिले मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से, शाजापुर से जी। कैसा लगा आपको हमारे साथ जुड़कर? भाई साहब मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट जुड़ पाया, लेकिन मैंने एक दो चार क्लास आपकी ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं नियमित आपके साथ जुड़ सकूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि 7 से 7:40 तक मेरी खुद की भी क्लास रहती है। शायद मैंने आपसे चर्चा भी की होगी व्हाट्सएप पर जी, जी, जी। कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं आपके सानिध्य में रह करके, परंतु समय थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अपनी भी क्लास 6:30 से 7:30 रहती है, टाइमिंग सेम रहता है। जी 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 जी। तो आप तो मेरे लिए क्लास करवाते हो ना? जी जी, मेरे लिए अगर कोई आदेश आज्ञा हो तो आप जरूर बताएं सर। ऐसा है तो अगर आप क्लास एक बार हमारे साथ ले लीजिए तो हम भी आपके जो प्रयोग है हम भी देखेंगे, कुछ आपसे भी हमें सीखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा है कि हर किसी को जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नया मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखना मिलता है, और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, सीमा नहीं होती है। आप बूढ़े हो गए हो तो भी आपका अभी भी आपको स्टूडेंट बनकर रहना है, स्टूडेंट बनकर रहना है, जहां भी कुछ मिले है उसको लेते रहना चाहिए। तो सब दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर चले, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आराम।